सबको लोग का भाई वेलकम करने के लिए आए हुए हैं हाजियों को। हमारा पता नहीं क्या बन जी। माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम। तो जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं जी। तो माशाल्लाह से सऊदी अरब को हम अलविदा कहने वाले हैं। हम अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर पहले हमने पैकिंग की है। उससे पहले हम हरम पाक गए हुए थे लास्ट ज़ियारत करने के लिए। यानी कि ज़िंदगी में फिर शायद मुलाकात कब हो, कब आए क्या पता। फिर भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ पे बार बार आने की तौफीक अता फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा ये सामान पैक हो चुका है, 1, 2, 3, 4। एक ये हमारा हैंड कैरी है और एक ये हैंड कैरी है। इसमें हमारा कुछ खाने का सामान है जो हमने लिया था, वो भी हम हो सकता है मेरी फ्लाइट लेट है, हो सकता है मैं लेट भी हो जाए। एक और सीन कि खैर खैरियत से हम जहाज़ पे चढ़ जाएँ, ये ना हो कि हमें ये जहाज़ से उतार ना दें। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि हमारा वो सामान इस तरह का है, मतलब पता नहीं ज़्यादा है, वो एग्जैक्ट पता नहीं है कितना हम कैरेज ले कर जा सकते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन हमने पैकिंग कर ली है, अल्लाह ही बेहतर करेगा। अल्लाह खैर खैरियत से आप लोगों ने दुआ करनी है कि कुछ ज़्यादा टेंशन ना बने। उम्मीद तो नहीं बने कि जरी बात यहाँ पे हाजी आते हैं तो शॉपिंग करके ले जाते हैं, तो सामान तो उनके पास जरी बातें होता ही होगा। बेगम भी अरब से करें या ना करें, सऊदी अरब से मक्का मदीना से तो लाजमी हर बंदा शॉपिंग करके जाता है। चांस ऐसे होता है कि दिल भाग भाग के करता है कि यहाँ से ये भी चीज अपने इलाके से भी मिलती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। भाई हम बताएं कि हम भी सऊदी अरब से लाए, मदीना से लाए। बिल्कुल माशाल्लाह, बस ये है। तो अभी मैं जानने लगा हूँ टैक्सी के लिए, टैक्सी करनी है चूँकि बस वाले से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ, वो ले जाए ना ले जाए, लेकिन हमें टैक्सी पे तो जाना पड़ेगा। तो मैं भी जाता हूँ नीचे टैक्सी लेके, तो बल्कि सामान भी हम नीचे ले जाते हैं, ऐसे ही ना करें। नहीं नहीं, आप पता करो, मैं बैठी हूँ। हाँ मैं बैठी हूँ यहीं पे, आप पता कर रहा हूँ। मैं पता करके हाँ, इधर ही जाना है ना अपने यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यही से पता। हमारे ना इधर से टैक्सियाँ गुजरती रहती हैं, तो ये भाग के कोई टैक्सी वाले को ना कर लेते हैं लेके। आप चलो ठीक हो, ठीक है ना। आप देख रहे हैं मजीद कोई चीज पड़ी तो नहीं है। बिल्कुल मैं बैठी हूँ। ओके, खैर जी माशा सामान हम अपना उठा रहे हैं। उठाओ सामान जी, हैं बैग को निकालना हो लिफ्ट तक तुले चल। सामान हमने सारा लिफ्ट में डाल दिया और हम पीछे खड़े हो गए। ये देखें खुल जा सिम, खुल जा। चलो सर, ये हमारे बैग हैं और ये गाड़ी आ चुकी है, तो भाई साहब गाड़ी खोलते हैं। ले आओ, देता हूँ, सब्र कर, मैं जा नहीं रहा, मैंने चाबी लेके जा करना क्या है। एक दफ़ा मैं दोबारा से लिफ्ट में आ चुका हूँ। एक दफ़ा मैंने कहा कमरे की नज़र मार लेते हैं, मे भी कोई चीज़ रह जाती है, तो बंदा फिर बाद में परेशानी होती है निकलते हुए। अपनी तरफ से एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी चाहिए। ये वाला कहीं भी कोई चीज़ रह जाती है, बंदा परेशान ना हो यार। ये कप हम नहीं लेके जा रहे, ये जूस भी हम नहीं लेके जा रहे, ये कुछ ब्रेड शेड पड़े थे वो भी नहीं लेके जा रहे, मिल्क भी नहीं लेके जा रहे, वो प्लास्टिक का डब्बा भी। खैर जी इट्स ओके, हो गया, नो प्रॉब्लम, आई थिंक इज क्लियर। लो जी भाई सब हम निकल रहे हैं जी, ये गाड़ी हमारी है, बैठते हैं जी। चलो बैठो बैठो, बिस्मिल्लाह। मक्खियाँ चलो जी, ठीक हो गए जी। कपड़े समाटो, बिस्मिल्लाह।
हम बैठ चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा जाने का रास्ता है जी। हम तकरीबन मेरे घंटा सवा घंटे लगेगा, सवा घंटा हमारा लगेगा जी इंशाल्लाह। चल सर जी, ये देखे जी मस्जिद अल हराम जी। हाँ, ये दफन हम जाते जाते भाई साहब में कह रहे हैं कि आपको मक्का की जियारत भी करवाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ये चार दिल में तो था कि हम ना गाड़ी में बैठ के भी जियारत कर लें। हम ऐसे गए हैं सुबह सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह हम गए थे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई साहब हमें ग्रेट कर दिया है। नहीं, भाई साहब खुद ग्रेट हो गए, हम नहीं ग्रेट हुए। तो भाई साहब ने कहा कि हम आपको एक ऐसी जियारत करवाएंगे कि आप याद करेंगे। तो भाई साहब कमाल हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह तो और भी अभी तजस्स दिल का बढ़ गया है कि वो कौन सी जगह रह गई है जहाँ से हमने अभी करनी है। तो मज़ा आएगा, आप लोगों को भी करवाते हैं माशाल्लाह। दूसरा टर्मिनल भी आ गया जी माशाल्लाह। ये ऊपर हरम है ना, हाँ, ऐसे हम नीचे से गुजर रहे हैं। ऊपर हरम पाक है और नीचे से हम गुजर रहे हैं, तो ये अंडरग्राउंड है जगह। ये देखे जाते जाते अच्छा इसमें बेटियों को करते से। आप मक्का में किसी भी जगह पे होना तो क्लॉक टावर आपको नजर आएगा। ये देखें, ये इन झाड़ियों के पीछे है। अभी हम थोड़े से आगे जा रहे हैं ना, वो देखो आपको नजर आ रहा है। ये मस्जिद ऐशा जी, हम यहाँ से फिर गुजर रहे हैं। हम यहाँ पे दो दफा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नहीं तीन दफा आए हैं यहाँ पे हम। एक दफा वैसे हमारा चक्कर लगा था, दो दफा हम वैसे आए थे। वो सफेद वाला, अच्छा सर। अच्छा जी माशाल्लाह सर, हम जद्दा पहुंच चुके हैं और बड़ा अर्ली आ गए हैं। इतना मतलब सुबह से थोड़ा सा दो घंटे पहले हम आ गए हैं। चलो कोई नहीं, खैर यहीं पे बैठ के इंशाल्लाह। हाँ जी, अभी हम एयरपोर्ट पे बैठे थे और काफ़ी टाइम हो गया है, और यहाँ देखें, हाँ हमें काफ़ी टाइम हो गया। और अब ये क्या लेके आए हो? कॉफी? कॉफी नहीं है, चाय, पाकिस्तानी चाय। मैंने इसको ये कहा कि टी विद मिल्क, सिंपल टी 8 रियाल, स्पेशल टी 10 रियाल। चलो से का 10 दे सही। सुन, फिर मिल्क टी 11 रियाल। सही सही, दिस इज 11 रियाल। हाँ, 11 रियाल टी। ओके ओके ओके, इट्स मीन पाकिस्तानी 1000। अभी हाँ जी, 1000 रुपए दी चाय। पाइप लेके आओ, इस कप में पाइप लगा के पीते हैं चाय। ओके ओके, हाँ जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। चेकिंग हो गई, जूतियाँ लगा के, जूतियाँ भी उतारी हैं, बेल्ट भी उतारी है, घड़ियाँ भी उतारी हैं। उसमें एक और बड़ा चक्कर हुआ, ये घड़ी आप देख रहे हैं ना भाई साहब। मैंने ना, यहाँ हम बैठे थे, मैंने कहा टाइम तो देखो, मैंने यूँ क्या, ये कहते भाई मेरी घड़ी ये, फिर भाग गए। मैंने कहा यहाँ से, मतलब हम यहाँ पे बैठे ना, यहाँ पे तो हमारी बोर्डिंग होनी है ना, साथ ही जहाज खड़े, वो ना मतलब यहाँ से तकरीबन दूसरा सफ़र है वो, जो मैं गया हूँ वापस 1.5-2 किलोमीटर, जिसमें से ट्रेन भी चढ़ा हूँ मैं। हाँ, वो भी चढ़ती फिर गया, वो फिर उतारा है, फिर उसके आगे जहाँ पे चेक इन होता है ना, जहाँ पे सामान वगैरह सारा मतलब करते हैं बंदे को चेक, अंदर बाहर से चेक करते हैं ना, वहाँ पर मेरी ये घड़ी भूल गई थी। तो खैर मैं गया, 2-3 वो थे काउंटर, उनमें से दोनों तीनों से पूछा, उनमें से एक के पास पड़ी थी। मैंने कहा शुक्र बच गया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था भाई साहब। हमने रियालों में पैसे भरे हुए थे, थोड़े बहुत भी नहीं। ये मैंने इन्हें कहा कि जा
मैं तो हिम्मत हार गया था, मैंने कहा पता मुश्किल से मिलेगी, लेकिन पड़ी थी एक और बंदे की भी पड़ी थी, उस भी भूल गया था मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे आप कर रहे हैं इंतजार। अच्छा जी माशाल्लाह से ये एक भाई साहब आएंगे, हमें मिल गए थे सियालकोट से, तो सामान हम सब उठा रहे हैं, सब लोग ना तैयारी कर रहे हैं, सब उम्रे वाले हैं, मेजोरिटी लोग उम्रे वाले हैं, कुछ कम लोग ही हैं। तो खैर अभी हम निकलते हैं जी, दरवाजे सुनने में आ रहा है कि खोल दिए अंदर वड़ना के लिए। अभी तो बड़ा टाइम है। हाँ टाइम तो बड़ा पड़ा, लेकिन ये पहले शुरू कर देंगे ना, बंदे भी तो काफ़ी सारे अंदर दाखिल करने हैं, 600-700 बंदा है माशाल्लाह से। खुल गया जी, हम जा रहे हैं जहाज में सवार होने के लिए फाइनली। ये साथ ही हमारे खड़े, हमारा सामने भाई साहब जहाज खड़ा है, बहुत बड़े जहाज है ये भी भाई साहब। अच्छा जी माशाल्लाह से, हाँ जी क्या नंबर है? 7170। तो जी बहुत बड़ा जहाज है भाई साहब ये भी, 1, 3, 4, 6, 4, 10 एक बड़ा बड़ा बिग बिग साइज, बड़ा बड़ा भाई साहब, बड़ा बड़ा बिग साइज भाई, बिग साइज। हम बैठ चुके हैं और अच्छा ये हमारी ना लास्ट सीट है, ये हमारी पीछे साइड से दोम पे आखिरी सीट हमारी है, ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे भी है, एक यहां। हाँ और यहां पे भी और एक और पैसेंजर था ये जो फ्रंट पे आगे बैठा है ना, तो वो भाई साहब जिद कर गया कि नहीं मैंने तो इधर बैठना है बीबा के साथ ही। मैंने उन्हें समझाया यार मेरी बीवी है, खुदा का नाम है ना, तो उत्थ बह जाए ए सीट पर बह जाए, जो फिर वो जिद कर गए। कोई नहीं यार इतना तो फिर बनता है ना यार, समझा फिर बड़ी मुश्किल से समझा, समझो कि आगे फ्रंट में बैठा सुनना रहो, समझा समझा के बड़ी मुश्किल इस सीट पे बिठाया उसको साथ वाली भी। अब हम दोनों शुक्र है, बड़ा औखा मनाया गोडे की टिप्पत नहीं यार, असं मियाँ बीवियाँ इकट्ठे बंद में तू उत्थे बह जा, फिर माना है कहते मैं विंडो सीट पर बैठूंगा यहाँ पे। कहते नहीं मैंने तो इसके साथ बैठना है, क्या जी यहाँ पे बैठ भाई साहब हमारा जहाज जो है ना लोड हो रहा है, ये सामान से यहाँ पे लोड कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में प्रवास कर जाएगा। बस आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें खैर करिए, से हर मुसाफिर को लेके जाए अपनी मंजिल पर, अल्लाह खैर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का बहुत ही अच्छा टूर गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टूर नहीं मतलब उमरा टूर भी हो गया, उमरा भी हो गया, मतलब सारी चीज़ें हाँ मतलब जो भी ये है, तो यहाँ पे ये सारे ये कहते हैं ज़ियारत वीज़ा टूर वीज़ा उमरा वीज़ा, मतलब इस तरह का ये कहते हैं, तो हम भी उस हिसाब से कह रहे हैं खैर हो गया जी, अल्लाह खैर करिए से सब कुछ मिल जाए। राइस है जी, वेजिटेबल राइस है। फाइनली जनाब जी हमारे पास आ चुके हैं जी चावल, फिर आप लोग कहते हैं ओए ओए शिकायत नहीं करनी, तो भाई सब शिकायत हम नहीं करते, इन्होंने ये मतलब ये चावल, ये इसके साथ है वेजिटेबल, चिकन इनके पास ख़त्म हो गया था, तो बस ये इसी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई सब हम शिकायत नहीं कर रहे, आप लोगों को शिकायत लगनी भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव सोच के आप लोगों ने भी कहना है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, ये भी है तो सही है, इसमें क्या है हाँ भी? हाँ, मुझे हाँ। खुशी हो रही है सैलेड भी है, चलो तो खैर भाई सब लेते हैं खाते हैं इसको जो मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शिकायत नहीं करते, फिर आप लोगों ने शिकायत नहीं समझनी, कम शिकायत करते हैं। खैर जी माशाल्लाह से हमने खाना खा लिया, गुजारा हो गया, हाँ रहती है असल में ना, ये छोटे छोटे से हैं, इसमें ना बिरयानी मतलब दी हुई थी, वैसे अच्छी थी लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी। फिर हम शिकायत नहीं कर रहे, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं कहना कि हम पे कुछ शिकायत करने आए यहाँ पे, अल्लाह माफ़ दे ऐसे कोई बन, वैसे बता रहे हैं आपको ना। खैर भी खाना खा लिया, अब इंशाल्लाह लाहौर जाके इंशाल्लाह लाहौर जाके खाएँगे टिका के, के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और स्पीड बिल्कुल ये 1070 से कम होकर 506 किलोमीटर पर हार पे आ चुकी है और सिर्फ 1900 मीटर हाइट पे रह गया, कान बंद हो रहे हैं और अभी
बस ये उतरने वाला नीचे कुछ नजर आ रहा है, लाइटें शाइटें थोड़ी बहुत। तो बस मैं सब अल्लाह खैर करिए से इसको उतारे जी, तो हम उतरे। बैर का टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड हो गया, देख लो ऊपर जब था कितना था, -40 तक। तो जो जो नीचे आ गया ना टेम्परेचर बढ़ गया, तो इतनी हाइट पे चला जाए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। लाहौर आ गया जी, लाहौर 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 भाई, रात में रोशन लाहौर सारा। तेल पवाए ने किराए टैंकी मुद्दी करनी है, जा रहा है लगता है तेल ही मिल गया। फाइनली बड़ी मुश्किल से सामान वो अभी बजा रही है, ये मैं बड़ी बड़ी फ्लाइट सी तो सामान ना बहुत ही था, बहुत सामान था। तो पता नहीं यार कोई हमें भी वेलकम करने आया है या कोई ना है, हैं इधर से चलें। सबको लोग का भाई वेलकम करने के लिए आए हुए हैं हाजियों को, हमारा पता नहीं क्या बनता है, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कोई नहीं हमें वेलकम करने आया, मुझे शक कैसे पड़ रहा है, चलो देखते हैं। पहले अकत नहीं आना था, अब तो हुआ था उससे। हाँ जी, किसी का टायर सीधा नहीं है, किसी हाँ का टायर फोल कर दिया, वही का जोर लगा लगा। रियाकत भाई हमें लेने आए हैं रात के 1:30 बजे, घंटा हमें लग गया सामान लेते लेते। हाँ जी, हम लियाकत भाई के घर आ चुके हैं और हमारी तवाज़ो हमने कर लिया है 3 बजे रात के ना, हमें भूख लगी हुई थी असल में ना, तो बिस्कुट चाय। शहर बंद है ये देखें जी, ये तो मेरी गली पुरानी पिछले टाइम पे सऊदी अरब वाले पे 1 बज गया, नया टाइम कर दिया, हाँ 3 बज गया। ये हमने कुछ स्वीट्स ली थी, कुछ वो भी लेके पीते थे, कुछ वो खाई हैं, कुछ बिस्कुट खाए हैं, चाय पी है, और अभी हम ना सोएंगे। वो भी अभी मतलब बच्चे साथ हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हमको, तो फिर घर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हाजन ये मैं हाजी आँदी बार बार जिस आँदी ओए हाजी मरे इंडिया, ये पता नहीं ये नवा ठीक है, मैं हाजी हाजी तो मैं कर रही हूँ, हाजी हाजी तो मेरी रफ फूटा भी अभी आजी, इनको इन सबको वहाँ भी बुलाते हैं, काबा में भी सारे कहते हैं। असल में काबा में हर बंदा जो वहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे हम जाते हैं, ओए हाजी वो पुलिस वाले हाजी, भी कहते हैं, पुलिस वाले भी कहते हैं, ओए हाजी हाजी मार आई परा थी वो सारे से कहते हैं। चलो कोई नहीं, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।